पुलिस ने ओंकारेश्वर में करौली पुलिस चौकी क्षेत्र में अधेड़ महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 12 दिन के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों और क्षेत्र के रहवासियों के कथन के आधार पर मृतक महिला के पति पर संदेह होना पाया गया। पुलिस ने पति की तलाश की तो वो फरार होने के कारण पुलिस का शक और गहरा गया। मृतका के पति की धरपकड़ के लिए खंडवा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर टीम गठित कर तलाश जारी है। पुलिस टीम ने राकेश मोहे निवासी सिहाड़ा को उज्जैन से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ओंकारेश्वर थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतका और उसके पति के बीच पिछले 2 से 3 वर्षों से पारिवारिक विवाद चलने के कारण अनबन थी, इसलिए मृतका अपने माता पिता के यहाँ ग्राम गोल में आकर रह रही थी। राकेश मोहे का एक्सीडेंट हो जाने के कारण काम करने में नाकाम होने से वो चाहता था कि पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ गांव सिहाड़ा में रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घटना के दिन मृतक उसकी पत्नी को लेने के लिए ग्राम गोल आया। पत्नी को मनाने की कोशिश की मगर पत्नी पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होने से गुस्साए पति ने धारदार चाकू से ताबड़तोड़ आधा दर्जन से अधिक वार कर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए पास के खेत में सुरा और खून से सने कपड़े गाड़कर फरार हो गया। ओंकारेश्वर पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने कपड़े चाकू जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, वहीं से उसे जेल भेजा गया। पप्पू भलाई निवासी गोल सिलानी द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी कि उसकी लड़की गोदावरी बाई जो वहीं अपने गांव गोल सिलानी में 3 बच्चों के साथ निवास रखते हैं, 8-9 बजे के आसपास रात्रि में किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। तो इस संबंध में थाने पर एफआईआर दर्ज की गई, उस बारे में उसकी विवेचना प्रारंभ की गई थी। प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसके हिसाब से उसके पति पर वहाँ पर आने का अंदेशा था, जिसके आधार पर उसकी तलाश की गई जो वहाँ पर मौके पर नहीं मिला। जब वह नहीं मिला तो सभी लोगों से पूछताछ की गई और संदेह के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। उज्जैन के आसपास उक्त व्यक्ति कहीं देखा गया है, उस संबंध में टीम भी भेजी गई थी जो उस टीम के द्वारा जो है उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। तो आज उसके द्वारा भी इस संबंध में जुर्म से करना स्वीकार किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल डाली गई। रेड 9 न्यूज़ के लिए ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।